आज हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 19वें अध्याय से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और जीवन में लागू करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए, जो हमारे लिए जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातों को लेकर आता है। इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। जब हम सीखते हैं और सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को जानकर ये काम हम करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। 19वें अध्याय में आगे जाएं, उससे पहले 18वें अध्याय का एक सारांश अपन देख लें। 18वें अध्याय में पौलुस की कुरिन्थुस शहर के अंदर की सेवकाई का विवरण है, किस प्रकार वहाँ पर 1.5 साल रहकर वो सेवा करता है और उसके बाद विरोध होता है, विरोध के बावजूद वहाँ पर वो रहता है और उसके बाद अपने दूसरी प्रचार यात्रा की समाप्ति पर वो किंक्रिया होता हुआ, एफेसुस होता हुआ, कैसरिया होता हुआ, यरूशलेम जाकर फिर अंताकिया को लौटता है। और उस अध्याय के अंत में आते आते हमने एफेसुस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और अपुल्लोस नामक व्यक्ति के विषय भी हमको जानकारी मिली थी। अब अपन आगे चलते हैं, 19 अध्याय पहली आयत। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर एफेसुस में आया। देखिए, दूसरी प्रचार यात्रा खत्म हो गई, तीसरी प्रचार यात्रा के लिए वो निकल चुका है। हमने 18वें अध्याय की 23 आयत में उस बात को पढ़ लिया था। मैं आपको पढ़ के बताऊं, 18:23, फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलाती और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। तो पूर्वी छोर से चलता वो आ रहा है, टॉरस पर्वतमालाओं को पार करता वो आ रहा है और अब एफेसुस शहर में वो पहुंचेगा। तो जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस अब एफेसुस में पहुंचा है। तो आप समझिए, एक बार और सुनिए पहली आयत। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर एफेसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। 5वीं आयत, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आप देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई का प्रभाव कहां तक पहुंच गया है। एफेसुस के अंदर पौलुस आया है और वहां पर कुछ विश्वासियों से मिला है और वो क्या कह रहे हैं, हमने तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में सुना ही नहीं है, हमने तो केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुना है और उसके संदेश के आधार पर हमारे जीवन को बिता रहे हैं और हम एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। पौलुस ने आकर उनको पूरा सुसमाचार सुनाया और उनको बपतिस्मा दिया और बपतिस्मे के पश्चात उनके पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिल गया। देखिए, दूसरे अध्याय में यरूशलेम शहर के अंदर यहूदियों के मध्य में पवित्र आत्मा का उतरना हम देखते हैं और पढ़ते हैं। 8वें अध्याय के अंदर हम सामरिया के अंदर सामरियों के बीच में पत्रस और यूहन्ना हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए हम देखते हैं। 10वें अध्याय के अंदर हमने देखा कुरनेलियुस के ऊपर और उसके खानदान और घराने के ऊपर पत्रस के प्रार्थना के जवाब में पवित्र आत्मा उतरता है। लेकिन अब 19वें अध्याय में हम देख रहे हैं पौलुस इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो अपने आप को विश्वासी कहते थे लेकिन विश्वासी थे नहीं। आज भी मुझे ये डर है, कई लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, उनकी आधारशिला कमज़ोर है, उनके पास आधार नहीं है, ना तो वचन का आधार है, ना अनुभव का आधार है। कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, चमत्कार को नमस्कार कर दिया और फिर यीशु की आराधना करने लग गए। उनको मालूम ही नहीं कि यीशु एक और प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गलत सुसमाचार, अलग सुसमाचार, कुछ और ही सुसमाचार। पौलुस इसके विषय में गलातियों को बाद में लिखेगा और वो कहेगा, तुम्हें भी अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर ऐसा अलग सुसमाचार सुनाए तो उसकी मत सुनना।
कुछ कुछ बात हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और एक और बात मैं बताऊं, अक्सर जो गलत समाचार होता है या गलत सुसमाचार होता है उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है और स्वीकार करना बहुत आसान भी होता है। इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप क्या विश्वास करते हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जवान से पूछिए, आज के किसी बुजुर्ग से पूछिए, विश्वास क्या होता है तो बोलेगा पता नहीं। आराधना क्या होती है तो बोलेगा गाना गाना, ड्रम बजाना, गिटार बजाना। और प्रार्थना क्या होती है तो बोलेगा खाने के टाइम पर की जाने वाली कार्यक्रम है प्रार्थना। इससे बढ़कर जानकारी नहीं है लोगों को, लेकिन हमारे नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इन बारहों को आप देखते हैं, पौलुस उनसे मिला, उनके लिए प्रार्थना करी, उन्हें बपतिस्मा दिया, हाथ रखा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से भरने के पश्चात वहां लिखा है वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। एक साथ हाथ रखा, पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिला, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और क्या करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। एफेसुस शहर है, ये 12 लोगों के बारे में हमको पहले जानकारी नहीं थी। पौलुस शहर के अंदर आता है, सेवा शुरू करता है, इनसे मिलता है और यहीं से सेवा शुरू हो जाती है। अब देखिए 8 आयत में क्या लिखा है, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। 3 महीना सेवा शुरू किया एफेसुस शहर के अंदर और यहूदियों के बीच में शुरू किया, और आराधनालय में जाकर यानी कि यहूदियों के आराधनालय में जाकर 3 महीना निडर होकर, बहुत अच्छे शब्द, बोलता रहा। लूका इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, उस पर जरा गौर करिए, वो बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। ये बहुत ही प्रभावशाली शब्द है, विवाद करता रहा और समझाता रहा, इंग्लिश में है परसुएड करता रहा, यानी कि जब तक उसके शिष्य समझ न गए वो उनको समझाने के लिए तैयार था, और जब वे समझ जाते थे तो फिर वो लौट कर नहीं जाते थे, ऐसा उनको समझ में आ जाता था। किसी ने सच ही कहा है, अधूरा ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी विश्वास की यात्रा में हमारी भी ऐसी हालत होती, इसलिए तो ये श्रृंखला है कि हम क्रमबद्ध तरीके से प्रभु के वचन को सीखें, केवल संदेश के रूप में ही नहीं परंतु वचन का अध्ययन हम नियमित रूप से कर सकें, यही मेरी प्रार्थना और यही मेरा प्रयास है। आगे अपन चलते हैं। आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। 9 आयत, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, इस मार्ग को, इस पंथ को, धर्म नहीं है मसीहत, पंथ है, यीशु के पीछे चलने वाले, राह पर चलने वाले, अनंत जीवन के मार्ग पर चलने वाले, सत्य मार्गी, अनंत मार्गी। देखिए क्या कहता है, लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया, यानी कि यहूदियों को छोड़ दिया। कुरिंथुस में भी ऐसा ही हुआ था, उसके पहले थिसलुनीकी में भी ऐसा ही हुआ, हर शहर में वो यहूदियों से शुरू करता है, वे उसका तिरस्कार करते हैं और उसके बाद वो यहूदियों में जाता है। लेकिन यहां देखिए, इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया, चेलों को अलग कर लिया, और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। हमने देखा कुरिंथुस के अंदर जब वो आराधनालय से निकला था तो तीतुस यूस्तुस, 18:7 में लिखा है, तीतुस यूस्तुस के घर पर उसने सेवा शुरू करी थी और वो घर आराधनालय से लगा हुआ था। लेकिन अब एफेसुस शहर में क्या कर रहा है, वो आराधनालय से निकलने के पश्चात चेलों को लेकर तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता है। तुरन्नुस की पाठशाला क्या है, ये तुरन्नुस की पाठशाला दो बातें हो सकती है, एक जहां पर यह पाठशाला थी उसका मकान मालिक तुरन्नुस हो सकता है, या फिर ऐसा एक भवन जहां पर तुरन्नुस अपनी पाठशाला चलाता था। तुरन्नुस एक शिक्षक जो अपनी विद्या, दार्शनिक बातें अपने शिष्यों को सिखा रहा है और एक जगह पर वो ये कार्य करता है। तो अब पौलुस क्या कर रहा है, उसी हॉल को, उसी जगह को, ऐसा हम सोच सकते हैं, किराए पर लेकर अपनी बातों को
जो उसे परमेश्वर ने सौंपी थी अपने लोगों को वो सिखा रहा है। और आप देखिए क्या लिखा है, प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। और कितने समय तक? 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। 2 वर्ष तक तुरनुस की पाठशाला में, यानी कि जो बीच बाजार में होगी, आने जाने वाले सब उसमें आते होंगे, जानते होंगे, जिन्हें वचन मालूम है वो आकर वचन सीखते होंगे, जो पौलुस से मिलना चाहते थे वो आकर उससे मिलते होंगे, और यहाँ से वचन सीखकर नए नए जगहों पर सुसमाचार वो लोग फैलाते होंगे। ऐसा भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह के समय वो तंबू का काम करता था या चमड़े का धंधा करता था, और दिन के समय यानी कि 11-12 बजे से लगाकर 4-5 बजे के बीच में वो ये शिक्षा प्रतिदिन दिया करता था। एक बार और मैं बताऊं आपको, सुबह के समय वो स्वयं हाथ से काम कर रहा है, कमाई कर रहा है, और उसके पश्चात दिन के समय वो तुरनुस की पाठशाला को किराए पर लेकर वहाँ पर रहकर अब शिक्षा दे रहा है। और इतनी प्रभावशाली उसकी सेवकाई रही कि सारे प्रांत के अंदर, और वहाँ लिखा है सारे आसिया के रहने वालों ने जान लिया, क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। इस एफेसुस में रहते हुए ही कई जगह कलीसियाओं की स्थापना हुई। अगर आप कुलुसियों की लिखी हुई पत्री पहला अध्याय आप देखें तो आप पाएंगे वहां पर कुलुसियों की लिखी हुई पत्री पहला अध्याय उसकी 7 आयत, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। एपफ्रस यहां पर तुरनुस की पाठशाला में आकर पौलुस के हाथों से सीखकर अब नई नई जगह पर जाकर सेवकाई कर रहा है। उनमें से क्या क्या शहर में वो सेवा कर रहा है? कुलुसे, 2 अध्याय की 1 आयत कुलुसियों में लिखा है, लौदीकिया का नाम भी है, और उसके बाद एक और शहर का नाम हमें 4 अध्याय की 13 आयत में मिलेगा, हीरिया पुलिस, यानी कि 3 शहर में एपफ्रस जाकर सेवा कर रहा है। पौलुस का शिष्य तुरनुस की पाठशाला में एपफ्रस है, और यहाँ से सेवा और अभिषेक और वरदान पाकर वो चर्च प्लांटिंग में लग गया, नई जगहों पर कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है। उसमें से 3 शहर के तो नाम मैंने आपको बताए, कुलुसी शहर, हीरियापोलिस, और उसके अलावा लौदीकिया की। प्रकाशित वाक्य के अंदर जब आप 7 कलीसियाओं की सूची पढ़ेंगे तो उसमें से 5 की तो सूची हमको यहीं पर मिल जाती है, एफेसुस और उसके अलावा लौदीकिया, और बाकी 5 मंडलियां भी इन्हीं दिनों में स्थापित हुई होंगी, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो 2 साल तक वहीं पर रहकर तुरनुस की पाठशाला में प्रतिदिन प्रभु का वचन नियमित रूप से पौलुस सिखाता जा रहा था। लेकिन आगे आप पाएंगे, हम देखते हैं कि वो स्वयं कहता है 20:31 में कि इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो 2 वर्ष तो तुरनुस की पाठशाला में हो गए, 3 महीने उससे पहले आराधनालय के हो गए, और फिर उसके बाद भी वो एफेसुस के अंदर सेवा दे रहा है। कुल मिलाकर 3 साल एफेसुस में रहकर पौलुस ने सेवा की। पहले हमने देखा कुरिन्थुस में लगभग 2 साल वो रहकर सेवा कर रहा है। आप देख रहे हैं शहरों में रहकर आने जाने की सेवकाई अच्छी है, लेकिन टिक कर कलीसिया को पैदा कर उसको पोषित करने की एक अलग ही जिम्मेदारी है, और पौलुस उसका नमूना हमें दे रहा है। एफेसुस नगर के अंदर वो रह रहा है, करीब करीब 3 साल वो वहाँ रहा, और अब न केवल एफेसुस लेकिन पूरे आसिया के रहने वालों ने प्रभु का वचन सुन लिया, ऐसा लिखा है। लेकिन 11 आयत में क्या लिखा है आप देखिए, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। सामर्थ के अनोखे काम, शब्दों का प्रयोग देखिए, सामर्थ के अनोखे काम, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। लूका यीशु मसीह के बारे में भी अपने सुसमाचार के अंदर यही कहता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर अगर आप देखें तो उसकी 18 और 19 आयत में कुछ इसी प्रकार की बात प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, यानी कि यीशु के बारे में, वे वहां थे
और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लिखने वाला व्यक्ति लूका है, लूका रचित सुसमाचार भी और प्रेरितों के काम का भी। अब वहां पर यीशु के बारे में वो लिख रहा है कि यीशु में से सामर्थ निकलती थी, सबको चंगा करती थी। न केवल यीशु लेकिन पत्रस के बारे में भी पांचवें अध्याय में लूका ने हमको बताया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, प्रेरितों के काम पांचवें अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के अवसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। यीशु के हाथ से चिन्ह और चमत्कार, प्रेरितों के हाथ से चिन्ह और चमत्कार, पत्रस के हाथ से चिन्ह और चमत्कार, और अब देखिए 19 अध्याय में हम क्या देख रहे हैं, पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम हो रहे हैं। लेकिन 13 आयत से आगे एक अलग ही विवरण है, अपन पढ़ते हैं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। देखो बात फैल गई थी, पौलुस प्रार्थना करता है और वो भी यीशु के नाम से, और जब पौलुस यीशु के नाम से प्रार्थना करता है दुष्टात्माएं ठीक हो जाती है। खबर फैल गई साहब। अब हुआ यूं, झाड़ा फूंकी करने वाले ये यहूदी भी उसी नाम को मंत्र के रूप में, जादू के रूप में उपयोग करने लगे। और फिर क्या हुआ, 14 आयत में लिखा है, और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही काम किया करते थे, यानी कि झाड़ा फूंकी का, दुष्टात्मा निकालने का काम करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। सिकवा के पुत्रों ने सोचा, हम भी यीशु का नाम ले लेंगे और जादू हो जाएगा। लेकिन यीशु का नाम जादू नहीं, यीशु का नाम सामर्थ का कारण है, और ये सामर्थ तब ही प्रभावी होती है जब उसके साथ एक अंतरंग संबंध होता है। जब मेरा यीशु के साथ संबंध हो जाता है, जब मैं और यीशु एक हो जाते हैं, उसका प्रेम मेरे दिल में आ जाता है, तो जब मैं यीशु का नाम लेता हूं तो असंभव संभव होना शुरू हो जाता है। तो जादू नहीं, उसके साथ एक आत्मिक संबंध होना जरूरी है। तो अब आगे देखेंगे अपन, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। इनको दुष्टात्मा ने भगाया, सिकवा के 7 पुत्रों को, और यह खबर फैल गई कि पौलुस जिस नाम से प्रार्थना करता है उस नाम में सामर्थ है। तो क्या हुआ देख रहे हैं आप, 19 आयत में आगे लिखा है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। देखिए इफिसुस में जादू टोना आम बात थी, और खास करके ये जादू टोने को वे लोग अपने घर पर बुरी आत्माओं से बचने के लिए या बुरी नज़र से बचने के लिए महंगी महंगी वस्तुएं दरवाजे पर या खिड़की पर या ऐसी जगहों पर रखते थे ताकि वे सुरक्षित रह सके। लेकिन जब पौलुस ने यीशु के नाम का प्रचार किया तो उनको समझ में आ गया, इनकी शक्ति कुछ नहीं है, यीशु के नाम की शक्ति इन सबसे परे है, इन सबसे ऊँची है। तो उन्होंने क्या किया, अब तक जिन पर उनका विश्वास था वो सारी वस्तुएं लाए और उनको जला दिया, और उसकी कुल कीमत लूका हमें बताता है 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। बहुत बड़ी रकम का सामान वहां पर, जादू टोने से जुड़ा हुआ सामान वहां पर जला दिया गया, और एक बड़ी गवाही वहां पर पैदा हो गई। और फिर 20 आयत में देखिए सारांश वाक्य लूका फिर हमको बताएगा, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। 6 अध्याय की 7 आयत में भी वो इसी प्रकार कहता है, 12 के 24 में भी वही ये सारांश वाक्य कहता है, और अब 19 के 20 में यही वाक्य वो कह रहा है, क्या, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया।
अब 21 आयत से आगे अपन पढ़ते हैं। जब ये बातें हो चुकी, कौन सी बातें? स्कीवा के 7 पुत्रों का भागना, कलीसिया का बढ़ना, ये सारी बातें हो चुकी, तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर, आत्मा में ठाना, एक क्षण रुके अपन यहां पर, आत्मा में ठाना, क्या पवित्र आत्मा ने ठाना या पौलुस ने अपनी आत्मा में ठाना या फिर पवित्र आत्मा ने इसको ठानने की सामर्थ्य दी? हमने पिछले अध्याय में देखा पौलुस जो भी करता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अनुमति से ही कार्य करता है। तो हम दोनों बातों को सही मानते हैं, आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं। उसने ठाना मुझे यरूशलेम को जाना है। भूलिए मत, अभी वो एफेसुस में है, लेकिन अब वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है मकिदुनिया और अखाया से होकर। दूसरी प्रचार यात्रा के अंदर उसने यही रास्ता अपनाया था। अब फिर से वो चाह रहा है कि मैं इन मंडलियों को मिलूं, उन्हें मजबूत करूं, लेकिन यरूशलेम को जाऊं मैं। अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लूका ने अपने सुसमाचार के अंदर 9 अध्याय की 51 आयत में इस प्रकार हमें बताया है। लूका 9:51 में लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यानी कि यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। वहां पर जो मूल शब्द है, उसने अपना मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे यरूशलेम जाना है। यीशु को मालूम था मुझसे दुख उठाना पड़ेगा, उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इन सब बातों को जानकर भी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो यरूशलेम जाएगा। ये यीशु की बात थी, लेकिन अब पौलुस की बात हो रही है। उसने क्या सोच लिया, ठान लिया कि अब वो मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाएगा। लेकिन आगे वो कहता है, केवल यरूशलेम तक नहीं, वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। वो विश्वास से कह रहा है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा और वहां के बाद मैं रोम भी जाऊंगा। पौलुस के विश्वास की दाद देनी होगी, उसके दर्शन की दाद देनी होगी, उसका हियाव देखिए, हिम्मत देखिए। एक और तो वो लिखता है कि मैं दुख उठाकर, आंसू बहा बहा कर, हाथ से मेहनत कर कर मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इसके पश्चात भी वो क्या कह रहा है, मुझे दर्शन पूरा करना है, मुझे रोम तक जाना है। कभी कभी अपन जब सेवा में दुख उठाते हैं या जीवन में दुख उठाते हैं तो हम कहते हैं बस इतना ही बहुत, इससे ज़्यादा मुझे दुख उठाने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे ताकत भी नहीं, और हम कहते हैं यहीं सीमित कर दो, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा अपन से नहीं होगा। लेकिन पौलुस से सीखिए, अभिषेक से भरा हुआ पौलुस क्या कह रहा है, मैं यरूशलेम जाऊंगा और उसके बाद रोम भी जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे अलग किया है और मुझे एक सेवा सौंपी है। अपने दर्शन को छोटा मत करिए, होने दें कि आपका दर्शन निरंतर बढ़ता जाए, आपके दर्शन का आकार, आपके दर्शन की सीमा आपकी ताकत नहीं, आपका बल नहीं, आपका धन नहीं, लेकिन आपके दर्शन की सीमा को परमेश्वर स्वयं तय करने पाए, क्योंकि अगर वो तय करेगा तो आपको अनुग्रह देगा कि उस दर्शन को आप पूरा कर सकें। पौलुस के जीवन की गवाही यही है। एक बार और हम पढ़ते हैं 21वीं आयत, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। रोम को भी देखना, घूमने की बात नहीं बोल रहा है, टूरिज्म की बात नहीं बोल रहा है, उसको मालूम है जहां भी मैं जाऊंगा गवाह बनूंगा, गवाही दूंगा। 22वीं आयत, इसलिए अपनी सेवा करने में से तिमोथियस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। अपने आगे उसने क्या किया, तिमोथियस और इरास्तुस को भेज दिया, जाओ और मेरे लिए मार्ग तैयार करो, क्योंकि उसने पहले से खबर भिजवाई थी कि हम कुछ भेंट इकट्ठी करेंगे और मिलकर हम लोग यरूशलेम ये भेंट पहुंचाएंगे। और इस बात के लिए उसने पहले से तिमोथियस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेज दिया, लेकिन खुद आसिया में यानी कि एफेसुस में कुछ दिन रह गया। तो यहां हम देख रहे हैं 3 महीना आराधनालय में, 2 वर्ष तुरन्नुस की पाठशाला में, और बाकी के समय वो एफेसुस के अंदर ही है। ऐसे कुल मिला के 3 साल पौलुस ने एफेसुस के अंदर सेवकाई करी, और यहीं से कुरिंथ की मंडली को वो खत लिख रहा है।
ऐसा भी हम सोच सकते हैं, यहीं से वो कुरिंथ फिर से बीच में जाकर वो आया है और यहीं से त्रोआस भी वो सेवा करके आएगा। कुल मिलाकर एक बेस के समान उसने अपनी जड़ मजबूत कर ली और यहाँ पर रहकर वो नई नई कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है, अपने दर्शन को वो पूरा कर रहा है। अब 23 आयत से आगे पढ़ते हैं, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। उस पंथ, यीशु के अन्यायियों को पंथी या अनंत जीवन मार्गी या पंथ उस समय कहा जाता था। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ क्योंकि दिमेत्रियुस नाम का एक सुनार आर्तिमिस की चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। पहले हमने आपको बताया एफेसुस के अंदर आर्तिमिस की देवी का मंदिर था और वहां पर वे लोग चांदी की छोटी छोटी देवियां बनाकर बेचते थे और बड़ा व्यापार वहां पर होता था। और उन व्यापारियों के संगठन का यूनियन लीडर के रूप में बोलिए या एजेंट बोलिए आप, देमेत्रियुस था। देमेत्रियुस नाम का आदमी क्या था, वो ऑर्डर लेता था और कारीगरों को बहुत काम देता था। वे चांदी की ये देवियां बनाते और बाजार में बेचते और कमाई करते थे। और 25 आयत में क्या लिखा है, उसने यानी कि देमेत्रियुस ने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कह कर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया है और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी आर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। देमेत्रियुस कुछ बातों को वहां पर पेश करता है और जो सच है, देखिए वो क्या कहता है। अपने जैसे कारीगरों को वो इकट्ठा करता है और उनको चुनौती देकर वो कहता है, प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया है। सारे आसिया की बात हुई। 16वें अध्याय के अंदर आप देखते हैं 20 आयत के अंदर, 16 के 20 में वहां लिखा है, हमारे नगर में, और नगर कौन सा था उस समय, फिलिपी, हमारे नगर में बड़ी हलचल ये लोग मचा रहे हैं। उसके बाद 17वें अध्याय में आप देखोगे 6 आयत में, 17 के 6 में क्या लिखा है, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। फिलिपी नगर, जगत उल्टा पुल्टा, और अब बात आ रही है एफेसुस के अंदर और वहां पर क्या कह रहा है देमेत्रियुस, कह रहा है प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वह ईश्वर नहीं। और फिर वो 3 बात वहां पर बोलता है, पहला, हमारी धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। दूसरी बात वो कहता है, आर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, 27 आयत से मैं बोल रहा हूं। और तीसरी बात, जगत जिसे पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। 28 आयत में क्या हुआ देखिए, वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की आर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकीदुनिया वासी गयूस और अरिस्थर्कुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। देखिए इफिसुस शहर मानव शहर है, वहाँ पर रंगशाला है जिसको एम्फी थिएटर भी कहते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं और बड़ा न्यायालय भी है और बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ देखिए, लोग क्रोध से भर गए, चिल्ला रहे हैं और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोग मकीदुनिया वासी गयूस और अरिस्थर्कुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, उनको पकड़ लिया और एक साथ वो लोग उन्हें लेकर रंगशाला की ओर दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। पौलुस तो तैयार था बात करने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन वहां देखिए क्या लिखा है, आसिया के हाकिम, बड़े बड़े लोग अब पौलुस के मित्र इस 3 साल के अंदर हो गए हैं और भीड़ जमा हो रही है, मारना चाहती है, जवाब मांग रही है। 2 लोगों को पकड़ लिया है, गयूस और अरिस्थर्कुस को पकड़ लिया है। पौलुस उनके बीच में जाना चाहता है लेकिन उसके मित्रों ने उसको समझाया, अभी मत जाओ, उचित नहीं है, जान का खतरा है। 32 आयत, वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ,
मधुमक्खियों की सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही होता है, भीड़ क्या करती है, क्यों करती है, लोगों को नहीं मालूम। भीड़ जमा हो गई तो और भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ एफेसुस में हो रहा था। देखिए 33 आयत में लिखा है, तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। देखिए हुल्लड़ मच गया, 2 जन पकड़ लिए गए और अब उनको रंगशाला में लाया गया है एक कानूनी कार्रवाई के लिए, और इसके बीच में वे लोग हल्ला मचा रहे हैं और एक यहूदी को बीच में यहूदियों ने खड़ा किया होगा ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, जिसका नाम सिकंदर था। और जब भीड़ ने पहचाना ये भी यहूदी है, उसकी सुनना नहीं चाहा और वे लोग 2 घंटे तक उस रंगशाला के अंदर चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। 35वीं आयत में देखिए, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कुछ कहा। नगर का मंत्री, आपको याद होगा कुरिंथुस के अंदर गल्लियो ने पौलुस के लिए बचाव का कार्यक्रम किया था, लेकिन एफेसुस के अंदर अब आप देख रहे हैं वहां पर नगर का मंत्री आ रहा है और वो कुछ इसी प्रकार पौलुस के बचाव में, सुसमाचार के बचाव में कुछ बातों को वहां पर कहेगा। और संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं, वो 3-4 बातों को वहां पर कहता है। कौन सा? नगर का मंत्री कहता है। पहली बात वो कहता है, हे एफेसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। वो कह रहा है कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं जानता। अरे तुम जो चिल्ला रहे हो मुझे मालूम है तुम क्या बोल रहे हो, वो सही है। 37वीं आयत में दूसरी बात वो कहता है, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। तुम इनको पकड़ के लाए हो और जिस गलती के लिए तुम बोल रहे हो वो तो उन्होंने की नहीं है। बुद्धिमानी के साथ ये नगर का मंत्री कार्य कर रहा है। अब देखिए तीसरी बात, और 38 आयत में दिमेत्रियुस की ओर इशारा करते हुए नगर का मंत्री क्या कहता है, सुनिए, यदि दिमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। 39, परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। इफिसुस शहर की कार्य प्रणाली के विषय में लूका को अत्यधिक जानकारी है, वो जानता है वहां पर कैसे कार्य होता है। नगर के मंत्री का वर्णन वो कर रहा है, उसके बाद कचहरी का वर्णन वो कर रहा है, और उसके बाद नियत सभा का भी वो वर्णन कर रहा है। यानी कि कचहरी में सुलझा सको तो सुलझा लो, और अगर तुमको लगता है वहां नहीं सुलझेगा तो नियत सभा, शहर के प्राचीन लोग जब एक साथ बैठेंगे, महीने में नियत समय पर उनकी सभा हुआ करती थी, हम वहां बैठेंगे, तुम्हारा मामला वहां लेकर आना और हम उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। फिर 40 में वो कहता है, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, यानी कि रोम में इनके विरुद्ध में शिकायत हो सकती है कि यहां पर बलवा हुआ है और यहां पर विरोध हुआ है और इसके कारण इन पर आरोप लगाए जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है मंत्री, देखिए, आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। नगर का मंत्री 4 बातें बोलता है, सबको मालूम है इफिसियों की अर्तिमिस महान है। फिर वो कहता है, तुम जिनको पकड़कर लाए हो उन्होंने ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं है। तीसरी बात वो कहता है, और तुम्हें कोई दोष लगाना हो तो कचहरी खुली है और कचहरी पर तुमको भरोसा नहीं है तो नित सभा में तुम इस मामले को लेकर आना। और फिर 4थी बात वो कहता है, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि किस कारण से इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, इतना हुल्लड़ हुआ है, हमको रोम को बताना पड़ेगा। ये 4 बातें बोलते ही लोग शांत हो जाते हैं। और देखिए क्या लिखा है, यह कहकर उसने सभा को विदा किया। समय समय पर परमेश्वर अपने दास दासियों के लिए बात करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है। 1968 की बात है, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज बांसवाड़ा के अंदर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे और उनके साथ उनके मित्र सैमसन विल्सन भी थे। दोनों पर्चियां बांट रहे थे, अचानक भीड़ ने पकड़ लिया और उनको धमकी देने लगे,
और उनको मारने पर ही थे तो क्या हुआ, अचानक वहां पर चाय और समोसा बेचने वाला एक ठेले वाला था, वो दौड़कर आया और इनके पक्ष में कहकर कहने लगा, मैं इन्हें जानता हूं, इन्हें छोड़ दो, तुम इनको कुछ नहीं बोल सकते, ये मेरे मेहमान हैं, ये मेरे लोग हैं। ऐसा कहकर चाय और समोसा बेचने वाला, जो इन्हें पहले नहीं जानता था, वो भीड़ के बीच में उतर गया और उसके कहने के कारण भीड़ तितर बितर हो गई। बाद में मेरे पिताजी ने बताया, हम तो बस से उतरे थे, ठेले पर गए, चाय पिया, समोसा खाया और उसके कारण उस व्यक्ति ने हमको वहां पर बचा लिया। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए समय समय पर लोगों को मैदान में उतारता है, लेकिन हर बार नहीं होता। दोनों बातों में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, दोनों बातों में हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। तो हमने देखा कि गलियों ने उसे कुरिन्थुस में बचाया, तो एफेसुस के अंदर अब नगर का मंत्री उसे बचा रहा है। और इस कारण परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार धड़ल्ले से आसिया में, अखाया में और इन पूरे प्रांतों में आगे निरंतर बढ़ता चला जाएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें।